पौड़ी में महिलाओं ने पुष्प वाटिका समूह बनाकर सफाई अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के अंतर्गत महिलाएं नगर भर में जगह जगह झाड़ियां काटने, खाली हो रही जगह पर फूल लगाने और जल स्रोतों की साफ सफाई का अभियान चला रही हैं। समूह करीब 4 माह से यह अभियान चलाए हुए है। समूह की संचालक बीरा भंडारी का कहना है कि स्वच्छता कार्यक्रम के साथ ही प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण का भी प्रयास किया जा रहा है। पौड़ी नगर के कुल 31 जल स्रोतों में से कुछ ही शेष रह गए हैं, अधिकांश सूख चुके हैं। और आज हमें लगातार 3 महीने 25वें दिन हमें आज यहाँ पे ये झाड़ियाँ काट रहे हैं। तो हमने तो तकरीबन जो है सभी जगह हमने, चाहे वो तुम्हारा उदीस का धारा हो, चाहे वो सर्किट हाउस हो, चाहे तुम्हारा कंडोलिया मंदिर हो, चाहे तुम्हारा हॉस्पिटल का मॉल हो, चाहे हमारे ट्यूरिस्ट के ऊपर हो, नीचे हो, और आज हम यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर के नीचे आ रखे हैं। और यहाँ पे यहाँ के लोगों ने कहा कि दीदी हमने यहाँ पे जो है 2-3 दिन पहले यहाँ पे बाघ भी देखा था। तो बाघ के सबसे पहले मेन मकसद ये था कि जो बाघ के ठिकाने थे वो हम लोगों ने ये स्वच्छता सफाई अभियान के तहत जो झाड़ियाँ काटी है इनका एक डेरा रहता था इन झाड़ियों में, तो जो है हमने इनको नष्ट कर दिया है। और बहुत अच्छा कार्य मेरी मात्र शक्ति कर रही है। हमें जो है बिना संसाधन कोई हमारे पास ऐसा भी नहीं कि मैं यहाँ तक कह रही हूँ कि हमारे पास अब हमारे हथियार भी जो है तलवार और ये फावड़े वगैरह जो है खुले हो गए, तो हम अपने संसाधन से जो ये कार्य कर रहे हैं।